Good morning students, I am your maths teacher. Today we are going to start our maths class. Okay, so in 8th class maths we have total 15 chapters. तो आप लोगों को 8th class में total कितने chapters हैं? 15 chapters हैं. Okay, वो कौन से हैं? First chapter is rational numbers, second chapter is linear equations in one variable, थर्ड चैप्टर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, फोर्थ चैप्टर इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, फिफ्थ चैप्टर इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रोपोर्शंस, सिक्स्थ चैप्टर इज स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, सेवेंथ चैप्टर इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स एंड ग्राफ्स, एट्थ चैप्टर इज एक्सप्लोरिंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स, नाइन्थ चैप्टर इज एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, 10th chapter is direct and inverse proportions, 11th chapter is algebraic expressions, 12th chapter is factorization, 13th chapter is visualizing 3D in 2D, 14th chapter is surface area and volume, cube, cuboid, 15th chapter is playing with numbers. तो ये 15 चैप्टर्स क्या है आप लोगों को 8th क्लास में है, ठीक है ना. 8th क्लास में आप लोगों को कितने चैप्टर्स हैं? मैथ्स में 15 चैप्टर्स हैं. तो आज अपन कौन सा? रेशनल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. क्या है अपना चैप्टर? रेशनल नंबर्स. तो आज अपन रेशनल नंबर्स 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है. कमिंग टू आवर एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स. तो अपन को क्या दिया? थोड़े नंबर्स ऐसा सेट दे दिया. तो उसको कौन सी प्रॉपर्टी आती वो प्रॉपर्टी का नाम लिखो बोला, ठीक है ना. तो अपन देखेंगे अब ये क्या है. फर्स्ट वन 8/5 प्लस 0 इक्वल टू 8/5 इक्वल टू 0 प्लस 8/5. ओके, तो इसको क्या हो रहा? अगर 8/5 को 0 से ऐड करें तो भी क्या आ रहा? 8/5 जा रहा. 0 को 8/5 से ऐड करें तो भी क्या हो रहा? 8/5 जा रहा. दोनों को सेम आंसर आ रहा. तो ऐसे प्रॉपर्टी को फॉर एग्जांपल a प्लस 0 इक्वल टू a हो रहा. फिर क्या हो रहा? 0 प्लस a इक्वल टू भी क्या हो रहा? h हो रहा. तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एडिटिव एंड आइडेंटिटी. तो इसका आंसर क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी. सेकेंड वन क्या है? 2 × 3/5 प्लस 1/2 इक्वल टू 2 × 3/5 प्लस 2 × 1/2. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती? ये एक लॉ है. कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं. कौन सा लॉ बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. क्या क्या बोलते हैं? ये टू क्या हो रहा? टू यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट में टू एक ही लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ टू दोनों को भी मल्टीप्लाई कर रहा है. दोनों को अलग अलग लिखे. फॉर एग्जाम्पल 2 × a + b है, तो इसको कैसा लिख रहे? 2a + 2b ऐसा लिख रहे, ठीक है. समझ में आना? यहाँ पर ये 2, a की प्लेस पे क्या है? 3/5 है, प्लस b की प्लेस पे क्या है? 1/2 है. तो 2 का 2, a की प्लेस पे क्या है? 3/5 प्लस 2, b की प्लेस पे क्या है? 1/2. तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं, ठीक है. क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं. नेक्स्ट है थर्ड वन. थर्ड वन क्या होता? 3/7 × 1 इक्वल टू 3/7 इक्वल टू 1 × 3/7. 3/7 को 1 से इंटू करे तो भी 3/7 ही जा रहा. 1 को 3/7 से इंटू करे तो भी 3/7. इसका आंसर सेम आ रहा. तो इसका आंसर तो ऐसे इन्वर्स क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल a × 1 इक्वल टू a छोड़ा, फिर 1 × a इक्वल टू भी ए छोड़ा. दोनों का आंसर भी सेम आ रहा. तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी. तो नेक्स्ट क्या है? −2/2 × 1. ये भी सेम ये प्रॉपर्टी के जैसी है. तो ये प्रॉपर्टी इसको 1 से इंटू करें तो भी ये आंसर आ रहा. 1 को इससे इंटू करें तो भी ये आंसर आ रहा. तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, अंडरस्टूड. तो यहाँ पर क्या है अब? 2/5 + 1/3 = 1/3 + 2/5. तो 1/3 को 2/5
बाई फाइव से ऐड कर रहे हैं, फिर वन बाई थ्री को टू बाई फाइव से ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ वन क्या है, फाइव बाई सिक्स वन, फाइव बाई टू इंटू थ्री बाई सेवन इक्वल टू फिफ्टीन बाई फोर्टीन, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेवन ए प्लस माइनस सेवन ए इक्वल टू जीरो, प्लस सेवन ए माइनस सेवन ए इज जीरो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ओके, एडिटिव इनवर्स। तो नेक्स्ट क्या है, एट्थ वन, एट्थ वन को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू वन, तो टू इंटू वन बाई टू कितना, टू, टू के आंसर वन बसता। ऐसे इनवर्स ऐसे प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू सिक्स इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस सिक्स, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो इसके आंसर्स जो है ना, यहाँ पर फर्स्ट को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोल एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। फोर्थ को आल्सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ वन क्या था, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, ये क्या है, आप लोगों के फर्स्ट आंसर के आंसर्स है। ओके, समझ में आया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अपन को राइट द एडिटिव एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको एडिटिव इनवर्स बोले तो क्या है, कुछ भी नहीं, इसको एडिटिव इनवर्स और क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो एडिटिव इनवर्स बोलते, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट वन क्या है, माइनस थ्री बाई फाइव है, क्या है, माइनस थ्री बाई फाइव। इसको क्या लिखना है, फर्स्ट एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बोलते, यहाँ पर माइनस थ्री बाई फाइव है ना, तो एडिटिव इनवर्स में क्या लिखना, प्लस थ्री बाई फाइव लिखना। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो अब यहाँ पर क्या है, माइनस थ्री बाई फाइव है, तो इसको उल्टा लिखना, माइनस फाइव बाई थ्री लिखना। ओके, अंडरस्टूड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वन, तो एडिटिव इनवर्स क्या लिखना है इसका, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखना, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखना, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ तो पर क्या लिखना, माइनस वन लिखना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या होता, ये बाई में नहीं है तो इसका वन ही छोटा। ओके, जीरो, जीरो को एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं रहता, तो इसको क्या लिखना, डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ वन, सेवन बाई नाइन, तो सेवन बाई नाइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता, माइनस सेवन बाई नाइन। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसा लिखना बोली मैं, नीचे का ऊपर लिखना, तो माइनस नाइन बाई सेवन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिफ्थ वन इज माइनस वन, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसका, यहाँ पर माइनस वन है, एडिटिव इनवर्स प्लस वन होता। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है इसका, माइनस वन का माइनस वन ही रहता। ओके, अंडरस्टूड। यह आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या दिया, थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स थे, उसको अपन फिल करना है। माइनस वन बाई सेवेंटीन डैश इक्वल टू माइनस ट्वेल्व बाई फाइव प्लस माइनस वन बाई सेवेंटीन, तो यहाँ पर क्या है, माइनस ट्वेल्व बाई माइनस ट्वेल्व बाई फिफ्टी फाइव इज मिसिंग है, तो यहाँ पर क्या लिखना, माइनस ट्वेल्व बाई फाइव लिखना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस टू बाई थ्री प्लस एक माइनस टू बाई थ्री, वो किससे प्लस करे तो फिर माइनस टू बाई थ्री आता, जीरो से। ओके, आंसर इज जीरो। वन इंटू नाइन, किससे वन को किससे इंटू करे तो वन बाई इलेवन आता, नाइन बाई इलेवन को ही इंटू करे तो इसका आंसर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव बाई सिक्स प्लस सिक्स बाई सेवन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व आ गया, फाइव बाई सिक्स आया, तो रिमेनिंग क्या बचा, अब सिक्स बाई सेवन है, तो इसको क्या डालना, सिक्स बाई सेवन। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री, तो यहाँ थ्री बाई फोर इंटू वन बाई टू प्लस थ्री बाई फोर इंटू वन बाई टू, तो थ्री बाई फोर आया, वन बाई थ्री आया, तो अब क्या आना है यहाँ पर, थ्री बाई फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइनस सिक्सटीन बाई सेवन प्लस किसको, जीरो, यहाँ पर क्या आता है, जीरो। ये है आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स थर्ड क्वेश्चन के। ओके, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई टू बाई इलेवन बाई द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फोर्टीन। तो क्या बोल रहा, रेसिप्रोकल माइनस फोर फाइव बाई फोर्टीन का रेसिप्रोकल निकालो बोल रहा, और रेसिप्रोकल निकालने के बाद क्या करना है, टू बाई इलेवन से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्या करना है अपन, रेसिप्रोकल माइनस फाइव बाई फोर्टीन का रेसिप्रोकल क्या होता देखेंगे।
द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 5/2 बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते कुछ भी नहीं, नीचे का ऊपर लिखना, ऊपर का नीचे लिखना, माइनस 14/5, ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 5/14 का है। तो नेक्स्ट क्या करना है अपन को, मल्टीप्लाई करो बोला, किससे मल्टीप्लाई करो बोला, 2/11 से मल्टीप्लाई करो बोला, तो 2/11 इंटू माइनस 14/5 ये अपन को करना है, ठीक है ना। तो 2 इंटू माइनस 14 कितना होता, 28 माइनस 28/55, ये किसका आंसर है, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, अंडरस्टूड। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये आप लोगों को आप लोगों के नोटबुक्स में लिखना है विथ क्वेश्चंस, ओके ना। फर्स्ट क्वेश्चन लिख के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स लिखना, सेकंड क्वेश्चन लिख के सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स लिखना, थर्ड क्वेश्चन लिख के थर्ड क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स लिखना, और फोर्थ क्वेश्चन लिख कर फोर्थ क्वेश्चन के आंसर लिख कर मेरे को नोट्स सेंड करना है। आप लोगों का होमवर्क क्या है, ये आप लोगों को सेम विथ क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ आप लोगों को आंसर्स लिखना है, यही आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है ना। टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू स्टूडेंट्स।